सो अब यहाँ पे यशु के पास जो कैमरा वो है स्कैनर का 200D। ऐसे बोलते हैं कि तुम बोलना फिर बोलने ही नहीं देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कैमरास के बारे में। अगर आपको ये कैमरा परचेज करने वाले हो फोटोग्राफी के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए, तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। मेरे पास आज 3 कैमरा हैं, क्योंकि मेरा बजट बढ़ चुका है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को, जिनका नाम आप जानते होंगे, तो राज फोटोग्राफी। सो भाई यहाँ पे है हमारे, तो मैं आपको शेयर करूँगा आज एक्सपीरियंस एक फुल फ्रेम कैमरा का। जैसे कि भाई ने आपको बताया कि हमारे पास 3 कैमराज, तो हर एक कैमराज अपने अपने बजट रेंज में, तो ये जो फुल फ्रेम कैमरा है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है प्रोफेशनल कामों में, चाहे आप वेडिंग्स करो चाहे म्यूजिक वीडियो शूट करो, हर एक जगह पर। मैं खुद इसको 3 से 4 साल से यूज़ करते आ रहा हूँ और ये अपनी जगह का अभी तक का एक बेस्ट कैमरा है, जिसे अभी भी मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो राज भाई अपने कैमरे के कुछ फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स शेयर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम गेस्ट को, जिनको आप जानते हैं, उनके काफी सारे फैंस भी मेरे चैनल पे होते हैं यार, वो आ नहीं रही वीडियो के अंदर, तो बुलाते हैं यशु लांबा फोटोग्राफी को यहाँ पे। जोरदार ताली। तो यहाँ पे यशु लांबा बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाएगा। हाँ? अच्छी ठीक है ठीक है। तो इनके पास जो कैमरा है वो मैम खुद बताएंगे। मेरे पास 200D है Mark II। ठीक है, और कैमरे की बैटरी कम है। कैमरे की बैटरी तो मैंने आपको बताया। तो यशु के पास मार्क कैनन का 200D है Mark II, है ना? ओके। तो मेरे पास है जो रिसेंट मैंने बाय की है अभी, अभी देखो मैं पुराने डाल के आया हूँ, जीन पैसा खत्म हो गए। तो सोनी का A61000 है मेरे पास। और कौन सा कैमरा किसके लिए बेस्ट है वो भी आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बताते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले राज भाई जो हैं, ठीक है, वो लेंगे शॉट कैनन का 6D Mark और बताएंगे तो कुछ फीचर्स। इस कैमरे से मैं अभी कुछ वीडियो शूट लेके दिखाने वाला हूँ और उसके बाद फोटो सैंपल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सेटिंग्स बता देता हूँ। 100 पे हमने शटर स्पीड रखी, 2.0 अपर्चर है एंड 200 पे ISO है, और 60 फ्रेम पे शूट करें ताकि हम स्लोमो करके वीडियो फुटेज को प्ले कर सकें। सभी कैमरे होंगे जो 60 FPS पे वीडियो को शूट करेंगे। बिल्कुल, हम तीनों कैमरे से 60 FPS शूट करें ताकि स्लोमो कर सके, और जो भी हम फोटो क्लिक करेंगे उसकी भी सेटिंग आपको साथ के साथ हम दिखा देंगे। और सिंपली हम हैंड हेल्ड शूट करने वाले, और तीनों कैमराज में 5x स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कैमरा शेक होंगे, तो उसे हमें ऐसे हाथ है ना नीचे रख के, एक हाथ एंड एक हाथ से ग्रिप बना के ऐसे हमें हमेशा ऐसे शॉट लेना है। तो चलो फिर आओ हम शॉट लेके देखते हैं। तो यहाँ पे राज भाई ने अपने सैंपल शेयर किए हैं, जज करके बताओ कि फुल फ्रेम में आपको और जो क्रॉप फ्रेम है उनमें क्या डिफरेंस आपको दिखता है। अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना नया कैमरा सोनी A61000 और 60 FPS वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लेंस मेरे पास है 50mm सोनी का। तो रेडी यशु? हाँ। ठीक है, तो इसी के सैंपल्स मैं लूँगा। और मैंने वीडियो मोड के अंदर डाल दिया कैमरा को, ठीक है, अभी डाला है। हाँ अभी डाला है, फोटो मोड में वीडियो बना रहे थे भाई। रेडी है? ओके। तो अब यहाँ पे यशु के पास जो कैमरा वो है स्कैनर का 200D। ऐसे बोलते हैं कि तुम बोलना फिर बोलने ही नहीं देते हैं हमको, ठीक है। चलो बताओ आप कौन सा मतलब क्या वीडियो शूट करने वाले। मैं अब शूट करूंगी मिस्टर राज को, राज को, ठीक है, राज को। हाँ राज का शूट कर। हाँ राज को शूट करूंगी, और हमारा मॉडल चेंज हो गया है, फोटोग्राफर भी चेंज हो गया है,
तो देखते हैं अब एक सेकंड कितनी गंदी है। यहाँ पे लेंस 50 mm है सभी कैमरा के अंदर, तीनों कैमराज में एक ही लेंस है और यहाँ पे भी 60 fps ही है ना, 59 सेटिंग भी सेम है, ठीक है सेम है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ का, हम फुटेज लेके देखते हैं। सो यहाँ पे अब यशु अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैनन 200D के साथ, और ये कैमरा किनको लेना चाहिए, मतलब कि कुछ शेयर करो। तो मेरा जो कैमरा है कैनन 200D, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है, जिसको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है एक ही कैमरा से, तो उसके लिए प्राइस कितना पड़ा था इसका? हाँ प्राइस ये 50-60 के बीच में आ जाता है आपका। और लेंस इसका जो लेंस आएगा किट लेंस होता है वो 1855 आएगा, और जो मैंने एक्स्ट्रा प्राइम लेंस लिया था वो 50 mm लिया था। ओके, तो इसके साथ व्लॉग्स भी हम कर सकते हैं ना? हाँ, इसकी ना स्क्रीन भी फ्लिप हो जाती है, रोटेट भी हो जाती है। और सबसे मेन हाईलाइट है कि स्क्रीन टच स्क्रीन है इसकी। हाँ, टच स्क्रीन। तो आप स्क्रीन के ऊपर ही दबा दबो के अपना बना सकते हो जो बनाना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कैनन का 200D। अब बात करते हैं हमारे राज भाई के बारे में, राज भाई आएंगे यहाँ पे, तो राज भाई हमें बताएंगे यहाँ पे। हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, सेमी प्रोफेशनल से लेकर प्रोफेशनल लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो आप अगर DSLR लेना चाहते हो तो आप 6D Mark II ले सकते हो, क्योंकि DSLR के लेंसेज काफ़ी सस्ते होते हैं। जैसे कि अभी यशु ने बताया जो 50 mm है वो 7500 का है, तो वही लेंस इनमें भी लगता है, जो भी DSLR कैमराज में सारे सेम लेंस लगते हैं, मतलब बिल्कुल माउंट सेम। हाँ, अभी लोग कई क्या बोलते हैं कि हम मतलब इस प्राइस रेंज में मिररलेस भी आता है, अच्छा है ना, नो डाउट वो एक है ना अपडेटेड वर्जन है। हाँ हाँ, बस उसके लेंसेज काफ़ी कॉस्टली हैं, तो अगर आप लेते हो आर तो उसका 50 mm जो आपको मिलेगा 30,000-35,000 का, तो आपका अगर बजट अच्छा है तो आप मिररलेस की तरफ जाओ। अगर आप चाहते हो अभी आपने ना एज ए फील्ड में वर्क करना है प्रोफेशनली, तो आप DSLR ले सकते हो। 6D Mark II अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्क्रीन भी बाहर आ जाती है ना। इसमें सारे फीचर्स हैं जो कि जैसे कि ऑटो फोकस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ठीक है, और आप लोगों को पता है जैसे कि कैनन का इजी टू यूज है, इसीलिए 200D Mark II जो सेम फीचर्स। तो इसके साथ भी दोस्तों आप व्लॉग कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा हैवी कैमरा है तो समझ सकते हैं आप लोग, पर क्वालिटी अच्छी, मेरे को क्वालिटी बहुत अच्छी लगी वीडियो की। अभी सैंपल शेयर किया आपको, आप लोगों ने देख ही लिया, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सब मैं बात करता हूँ अपने मेरे कैमरे के बारे में। सो रिसेंटली मैंने बाय किया A6000 से, मैंने अपग्रेड किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना भाई, यहाँ वहाँ आपको दिख जाएगी। और ये कैमरे को सबसे पहले बाय करने का रीज़न ये था कि इसके अंदर सबसे पहले तो माइक लग जाता है। अरे भाई खुलता नहीं यार, ये तो खुलता नहीं, जाम बहुत है नया नया ना। तो ये देखो इसका लॉक है ऐसे, अच्छा चलो बस ऐसे कर दो खुल जाएगा, ठीक है। गाइस हम कैनन लवर है, पर हम सोनी को भी बहुत प्यार करते हैं। कट जाएगा सब? नहीं नहीं, मैं नहीं काटूंगा, कटूंगा रखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा राज भाई ने बताया कि ये खुल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें माइक ऑप्शन मिल जाता है। A6000 के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अलग से फ़ोन लेके सिंक करना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत आती। उसके बाद बात करते हैं मेरे सेकंड हाईलाइट फीचर के बारे में। इसकी जो स्क्रीन है वो बाहर आ जाती है, सोनी के कैमराज के अंदर काफ़ी ज़्यादा था कि यार स्क्रीन बाहर आए, कि व्लॉगिंग वाला कैमरा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, और ऐसे बाहर निकालते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं, और आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही कमाल की सिनेमैटिक वीडियो खुद को अपना मतलब कि दिखाना चाहते हो, सोलो B-roll हो गया, और व्लॉग्स आप शूट कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, पर वो किसी किसी फीचर्स के अंदर चलता है। टच ट्रैकिंग आप कर सकते हो, और फोकस वगैरह को टच करके आप सेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपके साथ एंड में तीनों कैमरास के वीडियो सैंपल शेयर करता हूँ, और फिर आप मुझे देख के बताओ। वीडियो पर कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। और कमेंट्स इसलिए कम आ रहे हैं, यशु अब आ गई है तो कमेंट ज़्यादा आने चाहिए, क्यों? हाँ। और मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ तो
कमेंट जरूरी है। तो थैंक यू कहते हैं दोनों को, ये दोनों चैनल के ऊपर आए। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हम इनके चैनल पे आए तो आप भी हमारे चैनल पे आ सकते हो। बाय।